Karina, 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 Mutti mein kuch tare leke aayi ek haseena, aisi phasi chakkar mein dekho nikli phir wo kabhi na. झूठों का उसके तो चंचल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है. दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना. ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था. गुरमीत सिंह फ्रॉम पंजाब. हम कल भी एक गुरमीत सिंह से मिले थे. बच्चों की मर्जी के आगे हम क्या कह सकते हैं? क्या कह रहे आप? करीना तो कह रही थी कि उसकी अरेंज मैरिज है. चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र कितनी दूर है मुझे तो पता ही नहीं. लगता है महाभारत चंडीगढ़ में ही करनी पड़ेगी. ये चंडीगढ़ का बुड्ढा तो नहीं लग रहा है. तनु तुम या? और ये सारी वाली? अरे मिस्टर प्रेम मोटवानी, आइए आइए आइए, मोस्ट वेलकम, आइए 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 आइए, प्लीज अंदर आइए, हैव अ सीट, बैठिए बैठिए बैठिए. अरे मिसेस सूद आप कहाँ जा रही? आप ही आइए ना. शी इज मिसेस सूद, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू आवर बॉस. आइए आइए. और मिसेस सूद, ये आपको तन्नू क्यों कह रहे हैं? ये मेरी समझ में नहीं आया. मिसेस सूद, ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए. सर, आपके दादाजी हैं? मेरे दादाजी? क्यों? मैंने पूछा आपके दादाजी अभी हैं? नहीं नहीं, वो तो जब मैं 5 साल का था तभी ऑल राइट हो गए थे. और आपके? नहीं है. इसीलिए आप दोनों को इतनी कंफ्यूजन है. देखिए, मेरे दादाजी कहते हैं कि दुनिया में 7 लोगों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी होती हैं. और तो और मुंगिया जी, आपकी शक्ल कितनी हीरो जैसी है. ओके, ऑल राइट, वेरी नाइस ऑफ यू. बस आपने चाय नहीं किया सर, वरना क्यों मिस्टर बागनानी? मोटवानी. व्हाटएवर, लगते नहीं है हमारे मुंगिया साहब बिल्कुल हीरो जैसे? हाँ हाँ, ये तो आमिर खान जैसे दिखते हैं. रियली? बाय द वे, आप कहाँ से आए हैं? वहीं से जहाँ से आप आई है. रेडियो करी. ओह, वेरी नाइस. बट रेडियो स्टेशन में भी कितने कॉम्पिटिशन हो गए हैं ना? हमारे पास भी इतने लोग अच्छे अच्छे पैकेजेस के ऑफर्स लेके आते हैं. बाय द वे, आपका बजट क्या है? वही तनु जैसी आवाज और तनु जैसी इंटेलिजेंस, बट हाउ? मिस्टर सामनानी? मिस्टर मोटवानी. ओह सॉरी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं. कोई प्रॉब्लम? अगर आप चाहते हैं तो हम कभी और मिल लेते हैं. ऑलराइट. वैसे भी जब से ये तनु वाला एपिसोड हुआ है ना, तो मिस्टर मोटवानी कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं ना. अरे यार, काश हमारे भी तद्दू जिंदा होते हैं ना. हाउ इंटेलिजेंट, इजंट ही? यस, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली सर, इंडीड यू आर वेरी इंटेलिजेंट. तो एक काम करते हैं सर, आज के लिए ये मीटिंग हम यही खत्म करते हैं. लेकिन हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो हम कल मिलते हैं. हाँ, रेडियो करी के ऑफिस में. बहुत से मैं आपको मेरी एकदम इंटेलिजेंट क्रिएटिव आरजे तनु से भी मिलवा दूंगा. सॉरी, दैट्स नॉट पॉसिबल, मैं नहीं आ सकती. अरे नहीं नहीं, आपका आना तो बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कल संडे है और मैं नहीं आ सकती. आई एम सॉरी टू से सर, मुझे नहीं लगता कि आपको ये डील फाइनल करने में कोई इंटरेस्ट है. अरे नहीं नहीं मिस्टर मोटवानी, मिसेस सूद, नीलू जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि स्पॉन्सरशिप वाला काम सबसे पहला में होना चाहिए, ये उनके ऑर्डर्स हैं. आप घबराइए नहीं, हम कल आ रहे हैं. आइए आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ. आइए आइए. मुझे लगता है इस वक्त मेरे साथ कोई होना चाहिए था. नहीं, मुझे गलत मत समझना, मुझे मदद करने के लिए नहीं,
मुझे एक थप्पड़ लगाने के लिए, हर झूठ के साथ टाइट थप्पड़। ये फोन काड़ी मुड़ी बज रहा है, किसका है? उसको देख क्यों नहीं लेती है? अरे दादू, इस फोन ने तो मेरी जान ले ली है। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। हेलो, इतनी देर से फोन बज रहा है, तुम उठा क्यों नहीं रही हो? बाथरूम में थी। प्लीज ये सब घिसे पिटे डायलॉग बंद करो और मुझे बताओ तुम अभी क्या कर रही हो? राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, और उससे पहले मैं संडे का प्रोग्राम बना रही थी। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, देखो देखो, मैंने तुम्हारा पूरा शेड्यूल जानने के लिए फोन नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि कल तुम्हें ऑफिस आना है, एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। ओके, कल? कल तो संडे है। तुम संडे का नाम सुनकर इतना क्यों चौंक गई? संडे मींस नो वर्क, नो टेंशन, नो फोन्स एंड नो ऑफिस। कल तुम ऑफिस आ रही हो? That's fine. मैं अपना संडे किसी बोरिंग मीटिंग में वेस्ट नहीं करना चाहती। लगता है आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ा नहीं है, उसे पढ़िए। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा गया है कि मुझे आपकी जब भी जरूरत होगी, एनी सेल्स प्रमोशन और मार्केटिंग मीटिंग्स, आप वहाँ मौजूद रहेंगी। अच्छा ठीक है, पर प्रॉमिस करो कि मैं आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगी। ओके प्रॉमिस। ठीक है मैं आ जाऊंगी, मगर 30 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं। नखरे है। की गल है पुत्र, बड़ी परेशान लग रही है। दादू मैं तो आपके लिए परेशान हूँ। मेरे लिए? मेरे को क्या हुआ? कहीं मेरे को बूढ़ा समझ के तो परेशान नहीं हो रही है? बुड्ढे हो आपके दुश्मन, पता है आप सिल्वेस्टर स्टैलोन हो और तरम पाजी हो। लेकिन मुझे बुरा तो इसलिए लग रहा है कि आप इतनी दूर से मुझे मिलने आए हैं और मैं आपको संडे को टाइम भी नहीं दे पा रही। मैं जब चंडीगढ़ से आया था ना, बहुत सारी उलझने थी मेरे मन में, लेकिन अब सब दूर हो गई है। लगता मैं आराम से चंडीगढ़ वापस जा सकता। आप चंडीगढ़ जा रहे हो? देखना मैं आया था यहाँ तेरी मदद करने के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी वजह से तू परेशान हो गई है, तेरा काम में ध्यान भी नहीं लग रहा है, तो मेरे को अब तू वापस जाने दे। दादू अगर आप इतना कह रहे हैं तो फिर मैं आपको रोक नहीं सकती। कहो रानी से जाके कहूंगा ना, हमारी करू तो बहुत बड़ी हो गई है, तू तो बहुत भागा वाली निकली है। थैंक यू दादू। करू पुत्र। जी दादू। अरे पुत्र आज तो संडे है, आज भी ऑफिस? अरे क्या करूं दादू, जाना पड़ता है, प्लस मेरी बेकरी रिहर्सल भी तो है आज। ओके दादू, यू गई यू आई। ओके बाय दादू। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने जा रही हूँ। याद है स्कूल से कॉलेज तक जब भी मेरा मुश्किल पेपर होता था, आपके जादू की फूंक कैसे काम करती थी? दादू आज भी प्लीज। बहुत मुश्किल काम है, और भी मैं ज्यादा जोर से फूंक मारूंगा तो उड़ गई फेर। अब शुरू होता है मेरी स्क्रिप्ट का प्लॉट नंबर 1। हेलो सर, एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली मेरे मकान मालिक बीमार हो गए हैं। अरे लेकिन आप कह रही थी कि आपका बच्चा बीमार है। वो तो भला चंगा है, लेकिन उसी की वजह से मैं थोड़ा लेट आऊंगी सर। भाई अगर वो भला चंगा है, ऑल राइट है, तो फिर आप लेट क्यों आएंगी? वो क्या है ना कि मेरे मकान मालिक को किसी वैद्य ने ये कहा है कि वो सिर्फ किसी बच्चे की पीपी से ठीक हो सकते हैं। पीपी? शुशु। सर वो क्या है ना कि कॉलोनी में सिर्फ टिल्लू ही है जो 2 साल से छोटा है। वेरी स्ट्रेंज। अरे भाई लेकिन आप अपने टिल्लू को अपने मकान मालिक के पास भी तो छोड़ कर आ सकती हैं। सर आप क्या बात कर रहे हैं, टिल्लू तो मेरे बगैर पीपी करता ही नहीं। इनफैक्ट मैंने तो उसके लिए एक अलग पीपी ट्यून भी बनाई है, सुनेंगे? नहीं नहीं नहीं, फिर कभी प्लीज। देखिए आज की मीटिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई हमारी नौकरी का सवाल है। सर मेरे घर का सवाल है। ओके ऑलराइट, तो फिर तो भाई नीलू जी से बात करनी पड़ेगी मुझे। हा? सर आप नीलू जी को संडे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देखिए आपको सोचकर ही उन्होंने कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी ना। सर आप इतने इंटेलिजेंट हैं,
मैं तो आपसे इतनी इंप्रेस्ड हूँ कि मैं तो ये भी सोच रही थी कि टिल्लू को बड़े होकर बिल्कुल आप जैसा ही बनाऊंगी। मेरे जैसा? अच्छा अच्छा, so nice of you, so nice of you. सर तो फिर मैं आने से पहले आपको फोन करती हूँ। लेकिन कोशिश करिएगा जरा जल्दी आ जाइएगा, है? जी सर, बस जैसे ही टिल्लू आप भी पी पी ओके जी सर, जैसे ही टिल्लू कर लेता है मैं वैसे ही रेडियो करीब पहुँच जाती हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो मिस्टर मोटवानी, हू इज दिस? जी मैं मिलन मोंगिया बोल रहा हूँ। हाँ मोंगिया साहब, कहिए सर। आई एम सॉरी हम थोड़े लेट हो जाएंगे, लेकिन मीटिंग इज कंफर्म, हाँ प्लीज बेयर विद अस। ओके सर, नो प्रॉब्लम। मॉर्निंग? नो, इट्स अ बैड मॉर्निंग। कहाँ हैं सब लोग? कोई आया नहीं है क्या? इससे पहले कि कोई आए, तुम मुझे ये क्यों नहीं बता देती कि ये तुम डबल रोल कब से करने लगी हो? डबल रोल? ये सब क्या है? मैं जा रही हूँ। हे हे, लिसन, जस्ट किडिंग यार, रिलैक्स। लुक, इस हेलो आई में ऑलरेडी 2 मिनट्स निकल चुके हैं, अब बचे हैं सिर्फ 28 मिनट्स। ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी। कल मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे सॉरी अगेन, कल मैंने उनसे कहा था कि हमारे पास कई सारे स्पॉन्सरशिप्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन सच बात तो ये है कि हमें उनकी स्पॉन्सरशिप हर हाल में चाहिए, और ये स्पॉन्सरशिप वो लोग क्रिएटिविटी देखकर ही देंगे, और तुमसे ज्यादा क्रिएटिव आई कांट थिंक ऑफ एनीवन। ओनली 25 मिनट्स। अरे मिसेस सूद, सॉरी तनु, तनु ये तुम्हारे बालों पर लाल लाल, और ये सिंदूर, सिंदूर कब से लगाने लगी? क्या बात कर रहे हो, मैं जा रही हूँ। अरे रिलैक्स यार, आई एम जस्ट किडिंग यार, तुम तो सीरियस हो गई, कम ऑन, सिट डाउन, सिट डाउन। ओनली 20 मिनट्स। हां ओके ओके। ये शादीशुदा औरतें इतना टाइम क्यों लेती है सजने संवरने में, दूसरों का भी टाइम खराब करती है। और ये मिसेस सूद है क्या, एक मामूली सी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट? और ये मिसेस सूद है क्या, एक मामूली सी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट? आधे घंटे से ऊपर हो गया है और अभी तक कोई आया ही नहीं है। अभी तक तो मैं अपना काम भी पूरा कर लेती। एनीवेज जब वो आ जाए तो मुझे बुला लेना। गुड डे। अरे तनु लिसन यार, वेट, रुको यार। जी सर, मैं रेडियो कर ही पहुंच गई हूँ, बस आप 15 मिनट में आ जाइए। मॉर्निंग मिसेस सूद, आपको हमारे ऑफिस ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मोंगिया साहब अभी तक आए नहीं हैं, मुझे जाना है। अब आपको भी जाना है? देखिए मेरे हस्बैंड आज लोनावला से आने वाले हैं, मैं रुक नहीं सकती। आई सी। कद तो बिल्कुल वही है, वही बाल, वही आंखें, वही चेहरा, सब कुछ तो वही है, बदल गए हैं तो सिर्फ कपड़े। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, देखो अभी कैसे मजा चखाती हूँ इसको। अरे आप ऐसे क्या घूर घूर के मुझे देख रहे हैं? नहीं मैं तो यही देख रहा था कि आपकी इयररिंग्स कितने ब्यूटीफुल हैं। देखिए आपके इरादे क्या हैं? मैं तो कल ही समझ गई थी आपको देखकर, इसीलिए मैं आना नहीं चाह रही थी आज। आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, इसीलिए मुझे संडे को बुलाया।
आरजे को भी कहीं भेज दिया। देखिए मिस्टर, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, कल के फ्रंट पेज पे छपा दूंगी। अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है। एक औरत को अकेली पाकर? नहीं नहीं, देखिए देखिए, आप जैसे समझ रही है मैं वैसा नहीं हूँ। लिसन, आई एम नॉट अ कैरेक्टरलेस पर्सन, प्लीज लिसन टू मी, डोंट क्राई। फिर मुझे जाने दीजिए। अच्छा बाबा, गो गो, आप जाइए प्लीज। चलो मंगिया। हेलो मिस्टर मोटवानी। अरे मिस्टर मांगिया, हेलो सर। हेलो, अभी अभी मिसेस सूद आपका वेट करके चली गई। हेलो, कहाँ थे आप? मैं इतना फोन आपका ट्राई कर रही थी। देखिए मैं नहीं आ सकती, मेरे पति ने मुझे अर्जेंट बुलाया है। लेकिन रूम मीटिंग? मैंने नीलू से बात कर ली है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। देखिए फाइल्स मेरे पास है, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी आ जाइए। और मिस्टर मोटवानी को ये मत बताइए कि आप बिना फाइल्स के आए हैं, नहीं तो रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा। मिस्टर मोटवानी, मैं अभी दो मिनट में आता हूँ। लेकिन सर, मैं अभी आया बस। यार एक तो ये लिफ्ट नहीं आ रही, खराब है। थैंक यू। ये क्या है, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? मोंगे साहब बस अभी आ ही रहे हैं। और मिसेस सूद? मिसेस सूद तो आकर चली गई, लेकिन अच्छा ही हुआ, बेचारी बहुत बिजी थी। मैं मोंगे साहब को फोन कर लेता हूँ। ये जा रहा है। ट्राई अगेन। बिजी आ रहा है। ओह, पता नहीं मिसेस सूद कहाँ है, क्या कर रही है। दिस इज टू मच, आई एम गोइंग, बाय। For the delay. No problem. Huh? Sir, thoda aur. No thanks. Okay. Let's start now. Sure, sir. Oh yeah. Okay. चमत्कार को नमस्कार. Fantastic line. What a line, sir. ये line बच्चे बच्चे की ज़बान पर होगी. Fantastic. बच्चे बच्चे की? लेकिन ये product तो औरतें खरीदेंगी ना? Oh yeah. Of course. लेकिन sir, हर औरत में एक माँ का दिल होता है. और जब उसका बच्चा मासूम आवाज में कहेगा, माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस चमत्कार को नमस्कार। मिस्टर मोटवानी, आई लाइक योर कैंपेन स्ट्रेटजीज। थैंक यू सर। लेकिन सर, डील फाइनल करने से पहले मिसेस सूद का इंतजार तो करना होगा ना? मैं ही करूंगा। और मैंने डिसीजन ले भी लिया है। आपने? बॉसेस को बताने तक की फॉर्मेलिटी है बस। हाँ मिस्टर मोटवानी, लेट्स शेक हैंड ऑन इट। यस सर। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। क्या है, संडे आधा तो चला गया है, मेरा बाकी का संडे भी ऑलराइट हो जाएगा। मैं चलता हूँ। कॉफी तो? अरे नहीं नहीं, बस मिस्टर मोटवानी, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय। अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी है?
क्यों? अंदर क्यों बुला रहे हैं? कोई नहीं है इसीलिए? नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है। मिस्टर मोंगिया अभी अभी यहाँ से गए हैं। आप आइए ना, आइए ना। चले गए? पहले जब आई थी तो आपकी आरजे तनु चली गई थी। देखिए प्लीज, आप मुझे गलत मत समझिए। तो आपकी बिजनेस मीटिंग्स संडेस को ही होती हैं और हर मीटिंग में लोग ऐसे ही आते जाते रहते हैं? वैसे ही आपका बिजनेस कब से चल रहा है? जी एक साल से। मैं रेडियो करे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस संडे की बिजनेस मीटिंग की बात कर रही हूँ। जी वो तो पहली बार हुई है आज, और अब आखिरी बार होगी। नहीं नहीं प्लीज, ऐसा मत कहिए। मैं देखती हूँ आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है, जाके सब कुछ नीलामी देवी को बता दूंगी। अगर औरतों को इस देश में सेफ रहना है तो ये संडे की मीटिंग्स बंद करनी होगी। तनु, सॉरी मिसेस सूद, आपका 45,000 रुपए का फोन बज रहा है, आइए उठाइए ना।